हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वॉलपेपर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आपका ये वॉलपेपर है तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको ये आप देख सकते हैं, और आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, वॉलपेपर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से वन थीम स्टोरेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला चेंज कर लेता हूँ। अप्लाई करना है और दोबारा अप्लाई करना है। दोबारा अप्लाई के बाद ये आपसे पूछेगा सेट टू लॉक स्क्रीन, सेट टू होम स्क्रीन, सेट एज लॉक एंड होम स्क्रीन। तो किस पर आप सेट करना चाहते हैं, तो मैं दोनों पर सेट करना चाहता हूँ, लॉक एंड होम स्क्रीन पर। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपका ये सेट हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा वॉलपेपर, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।